राम राम जी आप सबको। आपका अपने चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ये डिजाइन बना के दिखा रही हूँ। एक डिजाइन ये 8 फंदे का है और 4 सिलाई का है। बॉर्डर बना के जो पहली सिलाई में शुरू किया था, पहली सिलाई से ही बना के दिखाऊंगी आपको। यही साइड पट्टी बना के दिखा रखी है, जो ये बॉर्डर बना रखा है इसी बॉर्डर की पट्टी बना रखी है। ये बटन वाली काज वाली पट्टी 7 फंदे की बना रखी है। छोटे बच्चे का 7 फंदे की भी सही रहेगी। अगर आपने 8 की बनानी है 8 की बना लो, 10 की बनानी है 10 की बना लो। मैं 7 की बना के दिखा रही हूँ आपको। आपने एक दो फंदा और ज़्यादा रखना, ज़्यादा रख लेना। अब ये डिजाइन पहली सिलाई से बना के दिखा रही हूँ आपको। एक फंदा ये हमारा डिजाइन से अलग है, ये फंदा सिलाई के लिए है। फिर आगे एक फंदा उल्टा पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब ये 8 फंदे का डिजाइन है। एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे, फिर एक उल्टा 3 सीधे। यही 8 फंदे हम आगे बनाएंगे। पूरी सिलाई में इस तरह बना लेंगे, एक उल्टा 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे, 1 2 3। फिर एक फंदा उल्टा 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब एक फंदा ज़्यादा डाल लिया है ये। अगर इधर भी हम इस तरह बनाएंगे जिस तरह ये बना रखा, पट्टी नहीं बनानी थी। अब मैं पट्टी दिखा रही हूँ आपको साथ में बना के। तो एक फंदा इधर रख ले रहे, ये कोने पर रख रखा है जैसे सिलाई के लिए। अब इधर पट्टी के आगे 7 फंदे, 1 2 3 6 और 1 7। फिर अपनी तरफ धागा करके अब की बार ये फंदा बनाएंगे। ये फंदा ऐसे स्लिप कर लेंगे, अगली बार ये फंदा स्लिप करेंगे, ये फंदा बनाएंगे, ये स्लिप करेंगे। एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, एक बना लिया, एक स्लिप कर लिया, फिर कोने वाला फंदा ऐसे बना लिया। अब आ गई दूसरी सिलाई, उल्टी सिलाई। 7 फंदे हैं जो ये फंदे हम उल्टी सिलाई में उल्टे बनाएंगे। 3 4 5 6 7, 7 फंदे ये उल्टे बना लिए उल्टी सिलाई में। अब आगे डिजाइन के फंदे हैं, एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, एक सीधा, 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर एक सीधा और एक उल्टा, ये 7 फंदे छोड़ के एक सीधा, 1 2 3 4 5 उल्टे, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। अभी यही 8 फंदे हम आगे बनाएंगे। फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा। अब ये 2 डिजाइन हो गए। फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, अगला डिजाइन है ये, एक सीधा 5 उल्टे, 1 2 3 4 5। फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, और ये कोने वाला फंदा भी उल्टा बना देंगे। अब ये 2 सिलाई होगी। अब आ गई तीसरी सिलाई, सीधी सिलाई। अब तीसरी सिलाई में हम एक फंदा, तो ये डिजाइन से अलग है, ये तो उल्टा ही बनाएंगे। हम दोनों सिलाई में इसको तो उल्टा बनाएंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2 2 फंदे सीधे, अपनी तरफ धागा करके एक उल्टा, फिर पीछे धागा करके 3 फंदे सीधे, 3, फिर एक उल्टा और एक फंदा सीधा। 1 2 सीधे 1 उल्टा, फिर 3 सीधे 1 उल्टा 1 सीधा। यही 8 फंदे आगे बनाएंगे हम। अब एक उल्टा एक सीधा। अब आगे फिर 2 फंदे सीधे, 1
दो फंदे सीधे, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा, फिर पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा और एक फंदा सीधा। अब ये दो डिजाइन हो गए यहाँ तक, फिर दो फंदे सीधे, फिर एक फंदा उल्टा, फिर तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा और एक फंदा सीधा। अब ये तीन डिजाइन हो गया आठ फंदे के। आगे सात फंदे हैं, जो ये फंदे हमारे अपनी तरफ धागा करके अब की बार ये फंदा स्लिप कर लेंगे, ये फंदा बना लेंगे, एक स्लिप कर लेंगे, एक बना लेंगे, एक स्लिप कर लेंगे, एक बना लेंगे। अब ये कोने वाला अगर स्लिप करना चाहो स्लिप कर लो, वैसे मैं कोने वाले को तो दोनों सिलाई में बना रही हूँ। अब आ गई चौथी सिलाई, उल्टी सिलाई। अब चौथी सिलाई में सात फंदे हैं जो ये पट्टी वाले, ये फंदे तो हम उल्टे बना लेंगे, तीन चार पाँच छ सात, सात फंदे तो ये हमने उल्टे बना लिए। फिर आगे डिजाइन के हैं, अब डिजाइन शुरू करेंगे आठ फंदे का। दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन। अब यही आठ फंदे बनाएंगे हम, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, फिर तीन उल्टे, यही आठ फंदे हम आगे बनाएंगे। पीछे धागा तीन उल्टे हैं अभी ये, आगे फिर अगले डिजाइन के दो फंदे उल्टे, पीछे धागा करके एक फंदा सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर तीन फंदे उल्टे। अब ये दो डिजाइन हो गए। अब अगला डिजाइन फिर शुरू करेंगे, दो फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर अपनी तरफ धागा करके तीन फंदे उल्टे। ये कोने वाला भी ऐसे उल्टा बना देंगे। अब ये चार सिलाई होगी और एक डिजाइन हमारा चार सिलाई का पूरा हो गया। तो देखो कितना अच्छा लग रहा है। आप इसको जेंट स्वेटर में डाल लो, लेडीज़ कार्डिगन में डाल लो, जैकेट में, टॉप में, कहीं भी डाल लो, सारी जगह अच्छा लगेगा। मफलर में, कैप में, बनाने में भी बिल्कुल आसान है ये। और देखो देखने में भी कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको मेरा डिजाइन पसंद आए और बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। एक बार फिर मैं एक सिलाई बना के दिखा रही हूँ अगले डिजाइन की। एक फंदा ये कोने वाला उल्टा बनाएंगे, ये तो सिलाई के लिए है। फिर आगे एक फंदा उल्टा, पीछे धागा करके तीन फंदे सीधे, एक दो तीन। अब यही चार फंदे आगे बनाएंगे, एक फंदा उल्टा, एक दो तीन। अब ये आठ फंदे हमें पूरी सिलाई में बनाएंगे, फिर अपनी तरफ धागा करके एक फंदा उल्टा, तीन फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा, तीन फंदे सीधे, फिर एक उल्टा, तीन फंदे सीधे, दो तीन। फिर आगे सात फंदे पट्टी के हैं जो, उनको हम देखो अब की बार ये फंदा बनाएंगे, ये स्लिप करेंगे, यही दो फंदे एक बार ये बना लेंगे, एक बार ये बना लेंगे, उल्टी सिलाई हमारी सारी उल्टी उतरेंगी। एक स्लिप कर लेंगे, फिर एक बना लेंगे, एक स्लिप कर लेंगे, कोने वाले को बना लेंगे। अब ये पहली सिलाई है। अब दूसरी सिलाई में फिर एक फंदा ये ऐसे बना लिया, फिर पीछे धागा करके एक फंदा सीधा बना लेंगे, पांच फंदे उल्टे बना लेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांच फंदे उल्टे, फिर पीछे धागा करके एक सीधा और एक उल्टा। अब यही आठ फंदे आगे बनाएंगे, एक फंदा सीधा,
पांच फंदे उल्टे, एक दो तीन चार पांच, फिर पीछे धागा करके एक सीधा एक उल्टा। अब आगे फिर यही पांच फंदे, आठ फंदे बनाएंगे, एक सीधा पांच उल्टे, दो तीन चार पांच, पांच उल्टे एक सीधा फिर एक उल्टा, फिर आगे फिर एक सीधा पांच उल्टे, एक दो तीन चार पांच, और ये कोने वाला ऐसे बना लेंगे। अब यही, अब ये दो सिलाई उतार दी, आगे तीसरी और चौथी उतारेंगे। अगर सारी बना के दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी। यही चार सिलाई जो पहले बना के दिखाई थी, यही चार सिलाई बार बार बनाएंगे, चार ही सिलाई का डिजाइन है बस ये। थैंक यू वीडियो देखने के लिए।